Namaskar everyone! How are you all? I hope you guys are fit and fine at your place. From today, I'm Komal Doria going to take your EVS. Okay. So this is our front page of textbook, and this is contents. So take your pencil and take the chapters which are we going to uh, learn in PA one. So uh, as you can see we have six units in our textbook so there are five chapters are uh, in pa1 course so take that chapters so there are chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 6 and chapter 8 are uh, in pa1 course so you have to write down पीए वन इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स सो हमें पता चले कि हमें ये सारे चैप्टर्स पीए वन में पढ़ने हैं ओके सो दिस इज अवर कंटेन, नाउ टेक आउट योर टेक्सट बुक सॉरी टेक आउट योर पेंसिल एंड पेज नंबर ट्वेंटी टू सी द चैप्टर नंबर टू कीपिंग सेफ सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग सेफ यानी सुरक्षित रहना सेफ रहना है ना सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सी यहाँ पे लिखा है सेफ्टी एट होम एट स्कूल एंड ऑन द रोड हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में विल लर्न अबाउट सेफ्टी और सेफ्टी हमें कहाँ कहाँ रखनी है सेफ्टी एट होम घर पे एट स्कूल एंड ऑन द रोड और रोड पे भी हमारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है है ना सो वी हैव टू कीप अवर सेल्फ सेफ सो दीज आर दी सेफ्टी रूल्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर एंड सेकेंड थिंग वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट एड ओके okay. हमें अगर चोट लग गई है तो हम फर्स्ट यानी पहले हम क्या करेंगे तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स लर्न सम हार्ड वर्ड्स सो सी अभी जब भी चैप्टर न्यू स्टार्ट होता है आपको हार्ड वर्ड्स लिखने होते हैं सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज ओनली ओके सो so, आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखना है चैप्टर टू कीपिंग सेफ के डब्लू पी आई एन जी एस ए एफ ई कीपिंग सेफ एंड देन डेट टू डेट एंड हार्ड वर्ड्स ओके सो स्टार्ट राइटिंग विथ योर पेंसिल नॉट विथ योर पेन ओके एंड हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन मैं स्पेलिंग बोलती जाऊंगी आपको समझाती जाऊंगी यू हैव टू राइट डैन ओके तो अब फर्स्ट वर्ड है इंजरी आई एन जे यू आर वाई इंजरी इंजरी यानी चोट सेकेंड वर्ड इज एक्सीडेंट ए डबल सी आई D E and T accident accident होता है ना दुर्घटना होती है this is called accident now third one is lying L Y I N G lying यानी uh, floor पे पड़ा हुआ कुछ होता है उसे हम कहते हैं ना lying on the floor lying on the bed पड़े रहना okay fourth one is ट्रिप टी आर आई पी ट्रिप यानी देखो कहीं पर चीज पड़ी है और हमारा ध्यान नहीं है और उस पर हमने पैर रख दिया तो दिस इज कॉल ट्रिप्स नी द फिफ्थ वन स्लिप एस एल आई पी स्लिप यानी फिसलना सिक्स वर्ड इज इलेक्ट्रिक स्विचेस ई एल ई C T R I C. इलेक्ट्रिक S W I T C H E S. स्विचेस इलेक्ट्रिक स्विचेस यानी जो इलेक्ट्रिक की स्विचेस होती है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक स्विचेस बोलेंगे सेवेंथ वन प्लग्स पी एल यू जी एस प्लग्स यानी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटिक सॉरी इलेक्ट्रिक जो मशीन्स होते हैं उनको चला पाए इसके लिए हमें प्लग चाहिए है ना तो दिस इज़ कॉल्ड प्लग वायर्स W I R E S वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं है ना आप सभी ने देखे होंगे नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग अप C आर सी एल

ये भी एक रोड क्रॉस करने की ही चीज है पर यह कहाँ होती है ये जमीन के नीचे होती है टनल होती है ओके नेक्स्ट वर्ड इज वी ई एच आई सी एल ई व्हीकल यानी वाहन नेक्स्ट वर्ड इज इमीडिएट क्या है इमीडिएट आई डबल एम ई डी आई ए टी ई इमीडिएट यानी तुरंत नेक्स्ट वर्ड इज़ अटेंशन ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन अटेंशन यानी ध्यान रखना ध्यान दो ऐसा ओके नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट एड एफ आई आर एस टी ए आई डी फर्स्ट एड यानी प्राथमिक जो उपचार हम करते हैं पहले उपचार करते हैं हमें चोट लग गई तो हमारी फर्स्ट एड क्या होगी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंटेन सी ओ एन टी ए आई एन कंटेन यानी जो शामिल करा जाता है जो भरा जाता है कंटेन होता है उसे कंटेन बोलेंगे नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसेप्टिक लोशन क्या लिखा है एंटीसेप्टिक लोशन ए एन टी आई एस ई पी टी आई सी एंटीसेप्टिक लोशन टी आई ओ एन लोशन तो एंटीसेप्टिक लोशन क्या होता है जो लगाने जो हमें चोट लगी है हमें इंजरी हुई है उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं जिससे हमारा जो जख्म है वो भर जाए जल्दी से और सड़े ना ओके नेक्स्ट वर्ड है बैंडेज बी ए एन डी ए आई डी बैंडेड बैंडेज आप सब ने देखी है हम जरा सी अगर आ, कट लग जाती है चोट लग जाती है तो हम बैंडेड लगा देते हैं है ना उसे हम बैंडेड बोलेंगे फिर है बैंडेज बी ए एन डी ए जी ई बैंडेज यानी पट्टी फिर है गाज जी ए यू जेडी गाज का मतलब है तार वाला जो मुलायम वाइट कपड़ा होता है ना जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगा देते हैं उसे हम गाज बोलेंगे फिर है ग्लव्स जी एल ओ वी ई -E एस ग्लव्स जो हम हाथ में पहनते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ सरेंजस क्या है सरेंजस एस वाई आर आई एन जी ई एस सरेंजस यानी इंजेक्शंस जो होते हैं वो एंड लास्ट वर्ड इज वो डब्ल्यू ओ यू एंड डी वनि घाव जख्म जो हमें लगा हुआ होता है वो नाउ वी लर्न अवर चैप्टर सो एज़ यू कैन सी वी हैव एक्टिविटी हियर वो हम करेंगे एंड सी कि वट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर सो यहाँ पर लिखा है वी शू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड स्टे सेफ फ्रॉम इंजरी सी वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ हमें हमें खुद का अपने आप अच्छे से ध्यान रखना है है ना तो हमें चोट ना लगे हमें आ, कहीं गिर जाने से कोई बड़ा सा घाव ना लग जाए इसके लिए हमें अपने आप को सेफ रखना है To avoid injuries, we should follow some simple safety rules. अब अगर हमें ये injuries से बचना है, तो ऐसे कुछ rules हैं जो हमें follow करने चाहिए for safety. Okay? यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे एक activity दी गई है, उसकी instruction लिखी है. Circle all the unsafe things in the picture below. See यहाँ पे एक picture है, उसमें जितनी भी unsafe चीजें हैं वो हमें सर्कल करनी है डिस्कस हाउ ईच ऑफ देम कैन कॉजिस एक्सीडेंट्स और हमें डिस्कस भी करना है कि ये सारी जो अनसेफ चीज़ है उससे क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ओके सो लेट सर्कल ऑल दिस थिंग्स तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है हॉट सॉरी यहाँ पे देखें तो ये है हॉट आयन देखो अगर हॉट आयन है वो हमने अगर छू ली तो क्या होगा वट विल हैपन हम चल जाएंगे है ना तो इट इज ये हमें टच नहीं करना है सेकेंड चीज जो है वो है नाइज यू कैन सी नाइजर है ना आ, ये अगर खुली कहीं पे पड़ी है तो इससे हमें खेलना नहीं चाहिए ये हमें लग जाती है तो कट हो जाता है एंड देन ओवन ये ओवन भी इलेक्ट्रिक मशीन है अगर हमें हमने इसके साथ छेड़खानी की तो हम जल जाएंगे हमें चोट लग जाएगी फिर है ओपन डोर सी यहाँ पे यहाँ से हम आए और हम इससे टकरा गए तो हम इंजर्ड हो जाएंगे तो ये ओपन डोर ऑफ द कबोर्ड इज ऑल्सो अनसेफ देन वाटर बॉइलिंग इन द स्पॉट सी ये आ, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है स्टव पे वो खुला छोड़ के किचन में से किचन में कोई नहीं है तो ये अगर खाली हो गया या फिर हमने स्टोव को छू लिया तो दिस इज अनसेफ ओके फिर है किटल ये भी देखो स्विच ऑन है और यहाँ पे आ, पानी उबल रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अनसेफ देन फायर यहाँ पे फायर भी है देखो तो ये सारी चीज़ें हैं वो अनसेफ है इनको छूने से इनके साथ खेलने से हमें क्या हो सकता है इंजरी हो सकती है ओके सो लेट इस नाउ लर्न समवेज बाय विच वी कुड कीप आवर सेल्फ सेफ हम अब हम क्या करेंगे ऐसे कुछ रूल्स सीखेंगे जिससे हम खुद को सेफ रख सके ओके सो सी द पेज नंबर ट्वेंटी थ्री सेफ्टी एट होम सी आपको लगता है कि हम घर में हैं तो सेफ है है ना येस वी आर सेफ पर इफ़ वी प्लेइंग विथ शार्प स्टूल या फिर हम ध्यान ना रखें कि फ uh, फ्लोर पे क्या रखा है तो दिस इज़ अनसेफ तो ये सारे जो रूल्स हैं वो उसके लिए है जिससे हम घर में सेफ रह सके सो हियर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट होम फर्स्ट है डू नॉट लीव योर टॉयज बैग्स एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर सी आपको कभी भी अपने बैग है टॉयज है या बुक्स है या कोई भी चीज़ है ऐसे ही खुली अपनी फ्लोर पे नहीं रखनी नहीं नहीं छोड़नी चाहिए यू माई ट्रिप ओवर देम एंड इंजॉय योर सेल्फ अगर हम वहाँ से जल्दी से गुजर रहे हैं है ना चल रहे हैं और हमने उसके ऊपर पैर रख दिया तो क्या होगा हम उसके ऊपर पैर रखने से इंजर्ड हो जाएंगे हमें लग जाएगी अगर आ, बैग में कुछ शार्प चीज़ है है ना तो वो हमें लग जाएगी या टॉयज़ है तो टॉय में कहीं अगर कुछ कोई टॉय है वो टूटा हुआ है तो वो हमारे पैर में आ, कट लग सकती है है ना सो डू नॉट लीव योर टॉयज बैग्स एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर नेवर सो दिस इज़ अवर फर्स्ट रूल सेकेंड रूल इज़ बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोरस सी हमारा बाथरूम गिला होता है ना सो बी केयरफुल कभी भी हम बाथरूम में चले तो ऐसे दौड़ के भाग के नहीं जाना चाहिए वी हैव टू टेक केयर नहीं तो क्या होगा सी यू माइट स्लीप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये देखो एक इमरान नाम का लड़का है वो वेट फ्लोर पे चल रहा है बिना सेफ्टी के मतलब ध्यान रखे बिना तो उसको क्या हो गया इमरान स्लिप्स ऑन अ वेट बाथरूम फ्लोर वो स्लिप हो गया यानी फिसल गया और फिसल जाने से इंजरी होती है है ना हमें बॉडी में कहीं लग जाता है सो दिस इज सेकेंड रूल थर्ड रूल नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लगस और वायर्स विद द वेट हैंड्स सी अगर हमारे हाथ गीले हैं तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के जो मशीन है स्विचेस है प्लग है उन्हें छूना नहीं चाहिए यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन टू प्लग पॉइंट हमने अगर इन लोग इन्हें इलेक्ट्रिक स्विच इस प्लग को छू लिया वेट हैंड से तो क्या होगा विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक हमें शॉक लग जाएगा एंड डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन टू प्लग पॉइंट हमें प्लग पॉइंट जो होते हैं उनमें भी फिंगर नहीं डालनी चाहिए उससे भी क्या होगा विल गेट शॉक नेक्स्ट वन डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स एंड सीजर्स हमें कभी भी गेस्ट स्टोव कहीं पे चल रहा है जल रहा है ना तो उसके आजू बाजू नहीं खेलना चाहिए और शार्प ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं किचन में तो उसको भी आ, उसके साथ भी खेलना नहीं चाहिए यू माइट बर्न और कट योर सेल्फ हम ये अगर वहाँ पर हम किचन में ऐसे खेलेंगे तो हमें क्या होगा हम जल जाएंगे या फिर कट हो जाएगा सी यहाँ पे एक बच्चा है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक जो प्लग है उसमें फिंगर रख रहा है तो उसे क्या हुआ शॉक लग गया है ना सी आपको कभी भी दिखे कि घर में किसी को शॉक लग गया है वो ऐसे गिर गया है तो हमें कभी भी उसको छू के नहीं उठाना चाहिए कि चलो हम दौड़े दौड़े गए और उनको अपने हाथ से उठा लिया कि चलो उठ जाओ कुछ नहीं हुआ क्या होगा वो इलेक्ट्रिक शॉक है वो अपने आ, वो अपनी बॉडी में पास होगा और हमें भी शॉक लग जाएगा है ना सो so, उन्हें वो वायर को वहाँ से कैसे हटाना है सी यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है इसमें ये लेडी लेडी है वो कैसे वहाँ से वायर हटा रही है एक वुड का जो डंडा है लकड़ी का जो डंडा है उसी से वो वायर को वहाँ से हटा रही है सो कीप इट इन योर माइंड वेन एवर यू सी योर फैमिली मेम्बर और योर फ्रेंड गेटिंग शॉक तो आपको वो वायर कैसे हटाना है विथ वुड एंड स्टिक ओनली ओके सो कीप इट इन योर माइंड एंड कभी भी गैस और शार्प्स ऑब्जेक्ट से भी नहीं खेलना चाहिए सी यहाँ पे भी लिखा है पूनम इज प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट एक पूनम नाम की लड़की है यहाँ पे देखो वो शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रही है तो क्या होगा उसके हाँ उसका जो आ, हैंड है वो कट हो जाएगा मतलब हैंड में कहीं कट लग जाएगा सो नेवर प्ले विथ शार्प्स ऑब्जेक्ट्स नाउ सी डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स yourself. कभी भी हमें अगर दिवाली में आ, फायर क्रैकर्स करने हैं है ना तो कभी भी खुद से अकेले मत जाओ ऑलवेज टेक प्रोटेक्शन ऑफ एडल्ट्स हमें बड़े लोगों के साथ ही जाना चाहिए ओके सी यहाँ पे गेस्ट हाउस से एक लड़की खेल रही है सो so, मम्मा क्या बोल किचन में एक लड़की खेल रही है गेस्टों के सामने तो मम्मा क्या बोल रही है कि स्टे आउट ऑफ हेयर है ना यहाँ से दूर रहो नहीं तो लग जाएगी फिर यहाँ पे देखो एक लड़की है वो फायर क्रैकर्स कर रही है तो इस तरह से अगर हम फायर क्रैक करेंगे तो क्या होगा पूरी फायर जो है वो हमारे फेस पे आएगी सो डू नॉट की फायर क्रैकिंग बाई कीपिंग द फेस अबोव दैम उनके ऊपर फेस रख के हमें फायर क्रैक नहीं करना है सी यहाँ पे ऐसे फायर क्रैकिंग करना है और ऑलवेज टेक प्रोटेक्शन मैंने अभी पहले भी बोला कि आपको एडल्ट का सुपरवाइज सुपरविजन चाहिए उसी से आप फायर क्रैकिंग करोगे ओके डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर crackers by yourself never okay so let's discuss why it is impossible to keep things at their proper place ye kyu important hai ki hame sari jo cheeze hai wo proper place pe hi rakhni hai बहुत ही इजी है इसका answer आपको अपने मम्मी पापा के साथ discuss करना है okay now सी सेफ्टी एट स्कूल सी हम बाहर जाते हैं तो मोस्टली हम आ, जो हमारे दिन का टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं वी वी स्पेंड our टाइम मोस्टली स्पेंड our टाइम इन स्कूल सो हमें स्कूल में भी सेफ्टी रखनी चाहिए सो so, here आर सम रूल्स Here आर सम सेफ्टी रूल्स that यू शुड फॉलो एट स्कूल फर्स्ट रूल इज़ नेवर रन अराउंड बेंचेस एन द क्लास रूम सी आपके क्लास रूम में बेंचेस होती है तो आप लोग भागते हो है न बेंचिस के अराउंड घूमते हो uh, आप लोग तो इट इज़ वेरी अनसेफ आप में से कई बच्चे होंगे जो ऐसे खेलते हुए गिरे है और इंजर्ड हुए हैं है ना मैनी ऑफ यू सो नेवर रन अराउंड बेंचेस एन द क्लास रूम यू माइट फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ हम गिर जाते हैं और बेंचिज़ कहीं पर लग जाती है तो इट इज़ वेरी रिस्की डेंजरस नाउ सी देंकेंड रूल डू नाट रन वाइल क्लाइंबिंग क्लाइम्बिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेर्स हमारी स्कूल में स्टेयर्स भी है तो हमें कभी भी दौड़ के उसे चढ़ना चाहिए नहीं चढ़ना चाहिए और ऐसे उतरना भी नहीं चाहिए यू माई ट्रिप एंड फॉल डाउन आपने आपका अगर पैर कहीं से छूट गया है एक स्टेयर से तो क्या होगा आप गिर जाओगे और स्टेयर से गिरने से तो बहुत ज्यादा चोट लगती है लगती है ना? यस सो डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेयर थर्ड रूल इज डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ अ मूविंग बस कभी भी चलती हुई बस से ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए है ना क्या होगा अगर हमारा पैर स्लिप हो गया तो है ना नेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न वी हैव टू ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू सी दिस चिल्ड्रन आर स्टे इन क्यू और बारी बारी से अपना टर्न आने से वो ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं दौड़ के भाग के बस के ऊपर चढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी अनसे वी हैव टू कीप इन माइंड दैट डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ अ मूविंग बस और स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न ओके नेक्स्ट रूल इज नेवर पुश योर फ्रेंड्स वायल प्लेइंग हम देखो हम गार्डन में प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं सो so, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ लड़ते झगड़ते हैं है ना बट इट इज़ वेरी अनसेफ हमने बोल के झगड़ा कर लिया तो ठीक है अगर हमने उनको पुश करा तो क्या होगा वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे वो टकरा जाएंगे उन्हें लग जाएगी और हमें भी लग जाएगी है ना बोथ यू एंड योर फ्रेंड्स माइ गेट हर्ट हम दोनों को लग जाती है वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग ऑन स्विंग्स हमें सबसे ज़्यादा झगड़ा जो होता है वो स्विंग्स के लिए होता है कि चलो अब मेरी टर्न आ गई मेरी टर्न आ गई पर वहाँ पे हमें लड़ना नहीं चाहिए हमें अच्छे से प्यार से एक दूसरे की टर्न लेके फिर खेलना चाहिए सो so, दीज आर दी सेफ्टी रूल्स फॉर एट होम एंड एट स्कूल सो यहाँ तक जितना चैप्टर हुआ है यू हैव टू रीड होल चैप्टर आपको पूरा चैप्टर रीड करना है एंड ये जो पॉइंट है ये जो क्वेश्चन है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन हार्ड वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक